अयाना लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस आए थे जिसमें वो चाहते थे हम उन्हें डिफरेंट तरह के बॉर्डर बनाना सिखाएं। तो आज का ट्यूटोरियल स्पेशली हमने आप सबके डिमांड पे बनाया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमने आपको सीपीओ के शेप का बॉर्डर बना के दिखाया है। ये बॉर्डर बनाना बहुत सिंपल है, आप इसे सिलाइयों से खेलते खेलते भी बना सकते हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। देखिए, हमने उनसे सिंपल सा लूप बना लिया है और दोनों सिलाइयों को इस तरह से पकड़ लिया है। अब इस लूप को हम सिलाई के अंदर डालेंगे और अब हम इसी तरह से फंदे डालते जाएंगे। उल्टे हाथ पे लूप बनाते हुए सीधे हाथ से हम इस तरह से फंदे डालते जाएंगे। हमें टोटल 51 फंदे डालने होंगे। ये फंदे डालने का बहुत सिंपल स्टेप है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि उन्हें फंदे डालने वाला स्टेप ही नहीं आता, तो प्लीज़ आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। पूरे स्वेटर का ग्रेस बदल जाता है अगर बॉर्डर हैवी और रिच हो तो। हमने आपको इस तरह के और भी बॉर्डर ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल पर सिखाए हैं, अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो स्क्रीन के ऊपर देखिए राइट हैंड साइड पे बॉर्डर डिज़ाइंस का लिंक आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप इस तरह के और बॉर्डर्स सीख सकते हैं। और इस तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें टोटल 51 फंदे डालने होंगे। 51 फंदे डालने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। अब स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम सिलाई को इस तरह से बाहर निकालेंगे। अब हम इन फंदों को बुनेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट सिलाई है, इसे प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम सबसे पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर बुनने के बाद हम इस दूसरे फंदे को वापस उल्टे हाथ की सिलाई पर ले जाएंगे। अब हमें इस फंदे के ऊपर से 9 फंदे गिराने होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से हमने यहाँ पे 9 फंदे गिरा दिए। और इसके बाद हम इस दूसरे फंदे को राइट हैंड साइड के सिलाई पे ले लेंगे और इसे टाइट कर देंगे। अब हम तीसरा फंदा बुनेंगे और इसके बाद इसे वापस राइट हैंड साइड के सिलाई पे ले लेंगे और फिर वही स्टेप्स रिपीट करेंगे, यानी कि इसके ऊपर से 9 फंदों को इस तरह से गिराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से 9 फंदे गिराने के बाद हम इस फंदे को वापस सीधे हाथ की सिलाई पे लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे। फिर एक और फंदा बुनेंगे, इसे वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे ले जाएंगे और वही स्टेप्स रिपीट करेंगे, यानी कि 9 फंदे इसके ऊपर से उतारेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से हमने यहाँ पे 9 फंदे इसके ऊपर से उतार दिए। अब इसके बाद हम इस फंदे को भी वापस सीधे हाथ की सिलाई पे लाएंगे और इसे टाइट कर लेंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको पूरी सिलाई कंप्लीट करनी होगी। देखिए, हमने यहाँ पे 3 सीपियाँ बना दी है और हमें यहाँ पे 2 सीपियाँ और बनानी होंगी। तो इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको टोटल 2 सीपियाँ और बना लेनी है। और एक बात का ध्यान दें, हमने हमारे चैनल को एक्सपैंड किया है और एक नया चैनल अयाना लाइफस्टाइल कुकिंग आप सबके लिए ओपन किया है, जिसमें हम आपको टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड बना के दिखाएंगे। और इस तरह के रेसिपीज़ आपने ऑल ओवर सोशल मीडिया, बी इट यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी नहीं देखी होगी। तो प्लीज़ हमारे उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप यूनिक और डिलिशियस डिशेस को एक्सपेरिमेंट कर सकें। उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, प्लीज़ उसे ज़रूर सपोर्ट करें उसे सब्सक्राइब करके। और इस तरह से आपको आपके डिज़ाइन को ओवर करना होगा। देखिए, हमारे 5 सीपीओ के कंप्लीट होने के बाद का लुक इस तरह से आएगा। अब हम आते हैं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में हमें फंदों को बढ़ाना होगा, तो एक फंदा उल्टा बुना,
फिर ध्यान दीजिए दोनों फंदों के बीच में गैप है, तो हम तीन फंदे इस तरह से बढ़ाएंगे ताकि हमारा वो गैप कम हो सके। इस तरह से तीन फंदे बढ़ाने के बाद हम वापस एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर हम वापस तीन फंदों को इसी तरह से बढ़ाएंगे अंगूठे पे डालते हुए फंदों को, दो और तीन। इसके बाद वापस एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर वापस तीन फंदों को बढ़ाएंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम ये पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। आप देख सकते हैं आज के ट्यूटोरियल में बॉर्डर बनाना कितना इंटरेस्टिंग है, इसे कोई बिगिनर भी इजीली बना सकते हैं। अगर हम बॉर्डर को थोड़ा डिज़ाइनर बना दें तो हमारे पूरे स्वेटर का लुक चेंज हो जाता है। आप इस डिज़ाइन को किसी शॉल में, ब्लाउज में, बेडशीट में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ये बहुत सिंपल और प्यारी डिज़ाइन है। और इस तरह से आप देख सकते हो हमने इस सिलाई को उल्टा बुन लिया है फंदे बढ़ाते हुए। इस सिलाई को बुनने के बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे डिज़ाइन के बनने के बाद का लुक आप देख सकते हो इस तरह से आएगा, और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड बाय।